भाई मुझे लगता है हमें जिंदगी में कुछ अलग करना चाहिए। ऐसा क्या भाई? अबे यार बहुत बोर हो रहा हूँ, कोई अच्छा सा जोक सुना दे। अबे वो सब छोड़, ये देख मेरे पापा ने पढ़ाई के लिए नया मोबाइल दिलाया है। क्या जोक मारा? क्या जोक मारा? Excuse me, आप हमारा वीडियो बना दोगे? बिल्कुल। क्या हुआ क्या हुआ? अरे वो फिल्टर हट गया था। अरे मत देखो इतनी गौर से इन सुंदर सुंदर लड़कियों को दोस्तों, ये भी एक दिन मोटी मोटी आंटियां बन जाएगी। बहुत नाम है तेरा भाई का इस एरिया में, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, आते जाते सब सलाम ठोकते हैं। ट्रेलर दिखाऊं? ए साजिदिया इधर आ, क्या 10 रुपए की बीड़ी लेके आ। अबे तेरे बाप का नौकर हूँ। अबे लिया यार, इज्जत रख ले। अपुन सोचा अपुन का बेड़ा पार हो गया, बोले तो बाप साला अपुन को भी प्यार हो गया। अरे साले साहब मुझको तुम्हारी बहन से बचा लो, मेरे को बहुत मार रही है। क्या बात कर रहे हो? जीजाजी मेरे होते हो तुमको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, जाओ पेड़ के पीछे छुप जाओ। क्यों, तूने तेरे जीजाजी को देखा? हाँ वो पेड़ के पीछे। सुंदर है, 2 लाख रुपए थे मेरे। अरे भाई गरीब आदमी बार बार पैसों के लिए परेशान मत किया कर यार। अबे देख ना पूरी गैंग लेके आए, यही पीट देंगे तुझे। अबे 2 लाख की बात कर रहा है, 4 लाख रुपए तेरे मुंह पे मारूंगा, मोबाइल दे तेरा। अबे सुन, अबे छोटा परेशान कर रहा है, 4 लाख रुपए इसके मुंह पे मारा भी है क्या अभी? अले ले बे अभी आ रहे, 4 लाख रुपए तेरे मुंह पे मारेगा वो। अबे सुन, इसमें तो सिम ही नहीं है। यार एक बात बता, मुझे कोई क्यों नहीं बोलता कि तुम मेरी जान हो? कहीं तुम जानवर तो नहीं? आज फिर रोड पर टूटा हुआ सिम कार्ड मिला, लगता है कोई ससुराल चले गई। अरे जब मेरे दोस्त पैदा हुए तो डॉक्टर ने पता है क्या कहा? वही हुआ जिसका डर था। लाइफ में 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए, लव मैरिज, अरेंज मैरिज और मैरिज। अंकल जी मैं आपकी बेटी से बस कर, ये ले 50 लाख का चेक और निकल जा मेरी बेटी की जिंदगी से। नहीं अंकल जी, मैं एक सच्चा मर्द हूँ और मैं इन चंद रुपयों में नहीं बिकूंगा। अच्छा बेटी तू तो एक मर्द नहीं है ना? नहीं भाऊजी। तो ये ले 50 लाख का चेक और निकाल दे इसको अपनी जिंदगी से। ठीक है भाऊजी, जाओ भैया। निकल। कल इंस्टाग्राम पर एक लड़की से फोटो मंगाई, वो बोली फोटो देख के डिलीट कर देना। मैंने उसकी फोटो देखी और उसको ब्लॉक ही कर दिया। अजी घंटा बजा। एक बात बताओ तुम, क्या लिप सिंक करते हो? क्या फिर भी तुम खुद को क्रिएटर कहते हो? मतलब जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो ये लोग सबसे पीछे खड़े थे। कौन सबसे पीछे खड़ा था चाचा? तुम। अरे वाह। अरे ओ मेरी जान, दूर से क्या पप्पियां दे रही हो? रुको मैं पास आता हूँ, पास में दे देना पप्पी। हाँ जरा देना पप्पी देना। अबे मैं कुत्ते को पप्पी दे रही थी, तुझे नहीं। अबे मेरे साथ जिंदगी तो कुत्ते की है। और भाई कहाँ जा रहा है? अरे भाई चड्डी लेने जा रहा हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कौन सी चड्डी लूँ। भाई एक काम कर, तू रूपा की चड्डी ले ले। अरे भाई ये मार क्यों गई? अरे भाई वही तो रूपा है। मैं कम इन सर। क्यों रे, आज फिर तुम लेट आए हो? सॉरी सर। आगे से अगर तुम लेट आए ना तो मैं मुर्गा बना दूंगा। सर अगर आप मुर्गा बनाओगे तो बॉटल मेरी तरफ से और चकना मेरी तरफ से। दिमाग से स्लो थी वो,
लेकिन मुझे छोड़ के बहुत तेज भागी। अरे लड़कियों ने मुझे जिंदगी भर गम दिए, जितने भी नंबर दिए सबके सब बंद दिए। The number you are calling is currently switched off. किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि घर जाके सो जाओ पापा की परियो, सुबह उठकर झाड़ू पोछा बर्तन भी करना है। मेरे घर वालों को वो पसंद नहीं, फिर भी मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। कौन है भाई वो? दारू। सर एक बात बताइए, जैसे हर जानवर में कोई खूबी होती है, वैसे सर गधे में भी कोई खूबी होती है क्या? यार मैं तेरे को पहली बार मिला हूँ, आज ही मैं तेरी खूबियां कैसे बता सकता हूँ। भाइयों अर्जी किया है। इरशाद। बादल गरजे शोर के साथ, ओए होए, बारिश आई जोर के साथ, वाह वाह वाह। मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान नहीं रख पाया, वो भाग गई किसी और के साथ। भाई तेरे को पता है, चाहे जितनी भी ठंड पड़े या बर्फ गिरे, लेकिन लड़कियों को कभी ठंड नहीं लगती। क्यों भाई? क्योंकि लड़के आपस में एक दूसरे से जलती रहती है ना। तो हम लोग टूथपेस्ट का एड शूट करना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक लड़की ढूंढी है। देखो उसके दांत कितने सफेद है, दांत दिखाना जरा, इसके दांत दिखाना, ये देखो। ये ओ, ये।